हिमाचल सरकार में हमारे सम्माननीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय हरीश जनाटा जी, हमारी सामाजिक एवं न्याय सचिव विशेष सचिव एम सुधा जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी वीडियो जिला अधिकारीगण, सभी हमारे सम्मानित संस्थाएं जो नशा मुक्ति के लिए अपना कार्य कर रही है, सभी हमारे प्यारे बच्चे, टीचर्स, प्रेस बंधु, 6 महीने पहले हमारी सरकार ने जब सत्ता संभाली, उसके बाद हमारा नशे के संदर्भ में एक चर्चा माननीय विशेष सचिव सुधा जी से भी हुई और इस समय जो प्रदेश की डीजीपी है उनसे भी चर्चा हुई। नशा हमारे समाज में धीरे धीरे घुलता जा रहा है और खासकर युवा पीढ़ी इस नशे की लत में की ओर अग्रसर हो रही है। पहली बात तो नशा आता कहां से है और कहां जाकर इसको बेचा जाता है, इस चीज का अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि पिछले कुछ समय से नशा शिक्षा संस्थान जो है उसके नजदीक इसको बेचने का कार्य जो नशा के कोरियर वाले हैं वो कर रहे हैं। पहले क्या किया जा रहा है इस बारे में भी अध्ययन किया गया। पहले एक आदमी को मुफ्त में डोज दी जाती है, जब उसको नशे की आदत पड़ जाती है फिर उसे नशा सप्लाई का कार्य करवाया जाता है और इस दृष्टि से शिमला जिला में हमारी एक विस्तृत चर्चा हुई। मैं शिमला जिला पुलिस अधीक्षक को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। पिछले 4 महीने में शिमला जिला में पर्टिकुलर 400 के करीब हमने केस रजिस्टर्ड किए और 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रोड़ों ठोक इस जगह बहुत फैलना था जिसको हमें समय पर कार्रवाई करते हुए हमने इसको रोकने की कोशिश की है। इसी तरह पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी अधिकारियों से, एसपी से भी मेरी बात हुई और एक हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ जिस पर आने वाले समय में हम कार्रवाई करेंगे। आपने देखा होगा कई लोग हैं जो विधानसभा की कार्रवाई को नहीं देखते हैं, लेकिन मेरी पूरी पुलिस के साथ, ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई और जो नारकोटिक्स एक्ट है, ड्रग्स एंड नारकोटिक एक्ट्स है, उसमें हमने प्रावधान करना चाहा क्योंकि वो सेंट्रल लिस्ट में आता है कि जो भी नशे से संबंधित कारोबारी सम्मिलित है उनकी संपत्ति को कन्फिसिकेट कर दिया जाए, यानी कि जब्त कर दिया जाए और उस प्रकार से या उसको डिमोलिश करने की हमें कानून के द्वारा इजाजत दी जाए। इस संदर्भ में हमने विधानसभा में एक संकल्प जो सरकार की तरफ से जाना चाहिए था भारत सरकार को भेजा गया है और पिछले दिनों ही मैंने इस मामले में आगे अपने जो होम सेक्रेटरी यहां है उनसे बोला कि इसको प्रोसेस किया जाए ताकि हम आगे और कड़ी कार्रवाई कर सकें। नशा से जो नशे में पड़ जाता है और रिहैबिलिटेशन जो सेंटर है वो अभी हमारे अपने डोनेशन से, दान से बंद कमरों में चल रहे हैं, कुछ जगह खुली जगह भी है। मेरा ये मानना है जो व्यक्ति नशे में लग जाता है सबसे पहले उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है,
हम उसको बंद करके रख सकते हैं वो ठीक तरीका नहीं है। उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, उसके लिए खेलों के द्वारा, उसके लिए काउंसलिंग के द्वारा हमें आगे बढ़ा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से प्रादाभ एक हमने विचार, जो संस्कृत का शब्द है, वाइप आउट उसका मतलब है, नशे से वाइप आउट के लिए हमने पुलिस विभाग के साथ मिलकर इस एक वेबसाइट बनाई। पिछले कल भी मैं उसमें था, लेकिन ये सिर्फ जागरूक अभियान है। हम जागरूक कर सकते हैं, ये नशा मुक्त प्रदेश के लिए पहला अभियान जागरूकता है। दूसरा अभियान क्या है, जो नशे में लोग पड़ चुके हैं उनको कैसे नशा से मुक्ति दिलाई जाए। इस संदर्भ में मेरी माननीय सेक्रेटरी साहब और पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात हुई और हमने कहा कि ओपन स्पेस देना पड़ेगा, और हमने 50 बीघा जगह का, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहा है, और इसमें मुझे अभी पता लगा कल ही कि 16 मील के पास हमें इतनी जगह मिल गई है। हम एक अच्छा नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे, 2 प्रदेश में बनाएंगे। जितना भी इसमें धन खर्च होगा हमारी सरकार वो सारा धन आपको उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीजें जिसकी तरफ बहुत कम सोचा जाता है और बहुत कम विचार किया जाता है। जो नशे में पड़ गया तो उसको सोचा जाता है कि इसके जीवन की अंतिम सांसें हैं, कुछ दिन वैसे व्यतीत कर दी जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो इंसान इस धरती पर आया है, अगर वो किसी बुरी आदत में पड़ जाता है तो उसको बचाने का दायित्व तो भी हमारा होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम एक प्रादाभ और एक नशा मुक्ति केंद्र जो हम खोलने जा रहे हैं, जल्दी आप 2-3 साल में देखेंगे, एक बहुत बड़ा अच्छा, जिसमें उसको जो नशा में पड़े हुए युवा साथी है उन्हें खेल की सुविधा देंगे, उन्हें उसके स्वभाव के अनुसार उस खेल में डालेंगे, डॉक्टर की सुविधा देंगे, साइकोलॉजी की अगर डॉक्टर की जरूरत होगी तो उसकी सुविधा देंगे। तो इसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है जो पिछले कुछ सालों से नहीं हुआ है। हमारी सरकार इसमें भी जो समाज के ये लोग हैं इनके लिए भी कार्य करने की सोच रही है। नशा मुक्ति दिवस पर हमने जो आज शपथ ली है, ये महज एक शपथ नहीं रहनी चाहिए, ये महज अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि हमारे पास जो भी लोग है जिसका पता है उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति को छुपाते हैं तो वो दूसरे व्यक्ति को उसकी लत लगाने की कोशिश होती है। अगर आप पुलिस विभाग द्वारा इसकी सूचना देंगे या 1100 में इसकी सूचना देंगे तो इस समाज की भलाई आप लोग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग सब लोग समाज के अंग हैं, हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम इस नशा मुक्ति आंदोलन को एक जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाएं। और हमारा ये भी प्रयास है कि एक अभी उसमें एक हम ऐसी ग्राम सभा करना चाहते हैं सभी, जिसकी एक तारीख फैसला होगी, जिसमें नशा मुक्ति के संदर्भ में, स्वच्छता के संदर्भ में पूरे हिमाचल प्रदेश के स्कूल और पंचायतों के माध्यम से इस योजना को आगे लाया जाए। इस संदर्भ में मेरी सेक्रेटरी महोदय से बात हुई है और जल्दी ही हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि जागरूकता का जो अभियान है उसको और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। और जो एनजीओज है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मैं आपको भी इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जहां हम सरकार का ही दायित्व, अगर हम सोचे कि सरकार ही सब कुछ कर लेगी तो सब कुछ भी सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो उनके द्वारा किया जाता है, तो हम उस दिशा से भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इन सब चुनौतियों का सामना हमें करना है, इन चुनौतियों का सामना करके इसे पार करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। आपने हमारी विचार सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।